अच्छा गाइस, आप लोग एक बात बताओ कि आप लोगों को पहले कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों का टिकट का टर्मिनल एक है और आप लोगों का डिपिंग फ्लाइट मतलब आपका उड़ान भरेगी दूसरे टर्मिनल से? मेरे पास ऐसा हो गया है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है और मैं फ़्लाइट में फ़र्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ ऐसा। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, या टिकट में या कुछ वेबसाइट में इशू था। ऐसा हो गया कि टर्मिनल था इंटरनेशनल टर्मिनल, वो जो 3 नंबर टर्मिनल है और अभी जो उड़ान भरेगी वो है 2 नंबर टर्मिनल से, ठीक है। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों, अगर ऐसा नया बंदा कोई आया, अगर किसी को पता नहीं, मैं तो वेबसाइट की गाइडलाइंस के हिसाब से चल रहा हूँ। मतलब वेबसाइट में जो एयर एशिया की वेबसाइट में जितने गाइड मिले उसी गाइड को मैं रीड किया हूँ और रीड करने के बाद अभी उसी के मुताबिक चल रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, क्या बोलते उसको, एयरपोर्ट में ऐसे भी काफ़ी सारे झंडे होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जैसे कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ में, जैसे कि गुवाहाटी हो गया, गुवाहाटी में कोविड टेस्ट नहीं चाहिए, यहाँ से किसी भी जगह पर जाने के लिए ई पास भी नहीं चाहिए, ठीक है। और जैसे कि अगर आप कलकत्ता में जा रहे हो तो आपको आई थिंक ई पास की ज़रूरत पड़ेगी और कोविड टेस्ट आपको अनिवार्य है। और जैसे कि अब अगर आप केरला में आ रहे हो किसी भी स्टेट मतलब किसी भी, जैसे कि यहाँ पे त्रिवेंद्रम हो गया, कोचिंग हो गया, ऐसे भी काफ़ी सारे है, अब अगर आप इसी जगह पर आ रहे हो तो आपको ई पास की ज़रूरत पड़ेगी और क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कोविड टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा मतलब गुवाहाटी में नहीं है, गुवाहाटी सिंपल है, हमारा ये अच्छा ही है।